उत्तर प्रदेश राज्य की सिविल पेंशनर परिषद की मासिक बैठक आज परिषद भवन कोषागार कार्यालय परिसर में संपन्न हुई। बैठक में मार्च की 21 तारीख को होली मिलन एवं परिषद के चुनाव आदि पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में परिषद में सरकार से मांग की गई है कि पेंशनर को जो पेंशन में 80 वर्ष की आयु पर वृद्धि की व्यवस्था थी उसे 65 वर्ष किया जाए एवं सातवें वेतन आयोग पर पेंशन की जो गणना 2.57 से की गई थी उसे 3.68 पर की जाए। 18 माह के महंगाई भत्ते के रुके हुए एरियर का भुगतान अधिक शीघ्र किया जाए एवं जनवरी से महंगाई भत्ते की देय किस्त का भी भुगतान शीघ्र किया जाए। इसके अतिरिक्त सदस्यों ने अपनी निजी समस्याओं से भी परिषद को अवगत कराया। उस पर परिषद ने गंभीरतापूर्वक विचार करने एवं उनका समाधान कराने का आश्वासन दिया। बैठक की अध्यक्षता मोहन मेहरोत्रा एवं संचालन यश कुमार त्यागी सचिव द्वारा किया गया। बैठक में धन सिंह, अजब सिंह चौहान, ए नकवी, पी सक्सेना, शिवराज सिंह ठाकुर, मान सिंह, शीश राम, अरविंद कुमार, राशिद अली, नईम अहमद, पीएस गिल, एके शर्मा, राम गोपाल यादव, वीएन झा, अशोक कुमार गुप्ता, सुनील कुमार शर्मा आदि उपस्थित रहे। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम यश कुमार त्यागी सचिव। जी, क्या बैठक चल रही है आज? आज हमारी बैठक मासिक बैठक शुरू हुई है और जिसमें हमने आज 17-18 तारीख को होली के बारे में हमने निर्णय लिया है। दूसरा, हमारा जो चुनाव है वो काफ़ी समय से पेंडिंग है क्योंकि कोरोना वगैरह से था, तो अगले महीने में हमने उससे भी परिषद के चुनाव को डिसाइड किया है। दूसरा एक ये है कि हम सरकार से भी ये मांग कर रहे हैं, जैसा कि हमें जीत हुआ है कि हमारी जो 70 साल से जो पेंशन में वृद्धि होती है उसको हम 65 साल की करने को सरकार जा रही है, उसका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरा, हमारे एक बहुत पुरानी मांग ये चल रही थी कि हमारी जो पेंशन जो रिवाइज हुई थी तो उनकी जो गणना हुई थी वो 2.57 से हुई थी। हमारी डिमांड ये थी कि हमें ये 3.68 से हुई, तो उस पर भी सरकार ने कुछ हम विचार किया है और सकारात्मक रूप पकड़ा है, उसे भी इच्छुक हुई है। इस पर सभी ने सरकार का धन्यवाद दिया है और ये उम्मीद की है कि ये जो हमारा 18 महीने का एरिया है ये भी शीघ्र हमें मिल जाए। और इसके अलावा हमने सभी ने उसको सरकार का धन्यवाद दिया है